हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो UPTET 2019 की दोस्तों आप सभी को प्रिपरेशन कराई जा रही थी, जिसके अंदर दोस्तों इंग्लिश के सेक्शन का मैंने कल आप सभी को डे वन कवर कराया था, जिसमें नाउन को दोस्तों पूरा डिस्क्राइब कर दिया था जितना मुझसे हो सकता था, जितना सिंपल तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश की कर सकता था दोस्तों मैंने आप सभी को समझा दिया था। तो कल दोस्तों कुछ नाउन रह गया था, उसको हम कवर करेंगे। और साथ में मैं आप सभी को बता दूं, आज हर एक सब्जेक्ट का पहला पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों पहला नाउन खत्म हो जाएगा एनवायरमेंट स्टडी में, हिंदी में, और सबके अंदर दोस्तों अब जो सब्जेक्ट जैसे ही खत्म होंगे हम उनके क्विज लगाने शुरू कर देंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश की पैडागोगी तो करा नहीं जाऊँ, इंग्लिश के दोस्तों नाउन के बाद मैं आप सभी को जो इंपॉर्टेंट होगा वो कराऊंगा, मैं आर्टिकल भी आपको कवर कराऊंगा, प्रपोजिशन कवर कराऊंगा। क्योंकि जब आप पैसेज करते हैं ना, तो पैसेज के अंदर क्या होता है, प्रपोजिशन और आर्टिकल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको ये दो चीज़ आती है तो पैसेज आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। इतने सिंपल पैसेज आते हैं, 5 से 6 नंबर आपके आसानी से बन जाते हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है कि हम आर्टिकल पर ध्यान नहीं देते हैं, हम जो प्रपोजिशन होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कवर हो जाएंगी उसके बाद आप सभी की जो एक बेसिक इंग्लिश है वो खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम जो है सारी की सारी जो क्वेश्चन है वो एक साथ कर लेंगे। तो इंग्लिश में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको कि अभी एक साथ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ही मैं आप सभी का सब्जेक्ट खत्म करूंगा उसके बाद आप सभी के क्वेश्चन कवर कराता हूँगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका मैं बेस जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउन से मैंने शुरू किया, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, मुझे पता है कैसे आप सभी का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा कर के आपको कम से कम 1 या 1.5 महीने में काफ़ी जो क्वेश्चन है वो जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधे आज का जो टॉपिक है हमारे नाउन का पार्ट 2 है जो हम कवर करने वाले हैं, कल रह गया था ये। तो दोस्तों कल मैंने आप सभी को 5 केस पढ़ा दिए थे, 5 के साथ 2 केस और पढ़ाए थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जिसने नहीं देखा तो पुराना वीडियो एक बार देख लो, नाउन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से नाउन कोई नहीं पढ़ाएगा आई होप, ठीक है। तो आज हम दोस्तों कवर करते हैं द नाउन जेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम जेंडर के बारे में यहाँ पे बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं, पहला पॉइंट आप सभी के सामने लिखा है, यू नो दैट लिविंग बींग्स आर आइदर द मेल और द फीमेल सेक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी को बताएं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें या तो दोस्तों मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। आप सभी को बताएं कि या तो दोस्तों जो है आप देख सकते हैं कि या जो दो तरीके के लिविंग बींग आप सभी के सामने पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, जिसको हम कहते हैं आदमी औरत, आप सभी इसको समझ सकते हैं। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। आपको दोस्तों यहाँ पर कंपेयर करना, एग्जाम्पल आप सभी के सामने अवेलेबल है, बॉय की श्रेणी में कौन कौन आते हैं दोस्तों, लॉइन, हीरो, कॉक, स्पैरो, ठीक है। तो दोस्तों ये सबके यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो लॉइन है वो मेल है, ठीक है। हीरो कौन है, वो भी मेल है। कॉक स्पैरो, ये भी मेल की दोस्तों आएगा। अगर हम एग्जांपल सेकंड में देखें तो आप सभी के सामने गर्ल दिखा है, वो आप सभी को बताने के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो लॉइनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो, तो दोस्तों ये आपको क्या शो हो रहा है कि इससे फीमेल है। मतलब पहली लाइन आप सभी को शो कर दी है कि यहाँ पे मेल है, और सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते तो वहाँ पे दोस्तों आपको फीमेल देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या समझा इस चीज़ को लेकर, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ मेल एनिमल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कि पहला भी जो आप सभी के सामने लिखा है वो मेल एनिमल की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ फीमेल एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट जो पेयर में अगर बात करें तो ये दोस्तों मेल एनिमल है और ये फीमेल एनिमल है, जो मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। बस आप इस बात को याद रखते, चलिए मैं आप सभी को आगे बताता हूँ। अब हम बात करते हैं, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी अ मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पर लिखा हुआ जो नाउन दोस्तों आप सभी को बताता है कि वो मेल है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिंदी में चल रहे थे, थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है लॉइन, अगर मैं आपको बोलूँ शेर, शेर दोस्तों आप सभी को पता है एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। तो दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं शेर क्या है, शेर दोस्तों मेल है, ठीक है। तो शेर नहीं क्या हुई, फीमेल हुई। तो दोस्तों जो मेल होगा उसको हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल होगा उसको हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। आप सभी के सामने दूसरा पॉइंट लिखा है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। आप सभी समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर दो चीज़ें आप समझ लीजिए, शेर को हम क्या कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल होगी दोस्तों जो शेरनी होगी उसको हम क्या कहेंगे फेमिनिन जेंडर। बढ़ते हैं आगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना।
आगे आप सभी के सामने अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। जैसे कि कल मैंने आप सभी को काफ़ी जो कॉमन के बारे में बताया था, तो अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि पेरेंट, हमारे पेरेंट कौन होते हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन पेरेंट दोस्तों यहाँ पर इससे कोई जेंडर पता नहीं चल रहा है कि पेरेंट में कौन है। अगर हम चाइल्ड बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे में मेल भी होती है फीमेल भी होता है, तो उसको हम यहाँ बता नहीं सकते। फ्रेंड में दोस्तों मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, पीपल सर्वेंट थीफ रिलेशन एनिमी कजिन पर्सन ऑर्फन स्टूडेंट बेबी मोनाश नेबर इन्फेंट। दोस्तों ये जितने शब्द आप सभी के सामने लिखे हैं और इससे ज़्यादा कम से कम लाखों वर्ड आप सभी को गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करो या फिर किसी वोकैब में जाकर के देख लो। तो जो इतने लोग होते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं कॉमन जेंडर। तो आपको समझना होगा, जिस नाम को हम सुन करके ये नहीं बता सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, तो आप यहाँ बता सकते हैं फ्रेंड आपका जो होगा वो मेल होगा फीमेल होगा। मैंने कहा यार मेरे चार फ्रेंड हैं, अब चार फ्रेंड में से कितनी मेरे फीमेल हैं कितने मेल हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, सर्वेंट मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, तो आप सभी इस बात को समझ चुके होंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर किसको कहते हैं, जो ना मेल होते ना फीमेल होते, बताते नहीं, मतलब कहने का कि डिनोट नहीं करता, जो नाउन ऐसा नाउन है जो डिनोट नहीं करता, वो बता नहीं था कि भाई उसके वो मेल है या फीमेल है, ऐसा नहीं है उसका जेंडर मेल और फीमेल नहीं है, ये वैसा बिल्कुल मत सोचना। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो कि आप सभी को बताता है कि ना तो मेल है और ना फीमेल है, जिसकी हम बात करें थिंग विदाउट लाइफ, जिसकी दोस्तों कोई लाइफ नहीं है। लेकिन अगर ऊपर हम बात कर रहे थे, ये भी दोस्तों सेम चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क आप सभी के मैं बता दूँ, ये दोस्तों लिविंग बींग है लेकिन इनमें दोस्तों लाइफ नहीं जिनकी यहाँ बात की गई। तो आप सभी को यहाँ पर मैंने कोष्टक में लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, तो आप सभी के सामने है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जैसे कि आप सभी के सामने बुक, बुक का आप कोई जेंडर बता सकते हो कि मेल है या फीमेल है, नहीं। पेन का आप बता सकते हो, रूम का बता सकते हो, ट्री का, अगर हम बात करें दोस्तों मीन्स का, नाइदर, तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों नाइदर दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल, ठीक है दोस्तों, आप सभी समझ चुके होंगे इस बात को कि न्यूट्रल जेंडर कौन कौन से होते हैं, बुक, पेन, रूम, ट्री, जो मैंने आप सभी को बताया है। आगे अगर हम बात करें, द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। तो आप सभी को एक क्वेश्चन मैंने पूछना है, उसका आपको आंसर करना है, अभी कर दो कमेंट में, मैं आगे आप सभी को उसका आंसर बताना है। अब आपको मैं पूछूं, क्या आप बता सकते हैं कि मून मेल है या फीमेल है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर करो, जितने भी लोग इस टाइम वीडियो को देखें कमेंट कर दो, मैं आपको आंसर करूँगा। मून के बारे में बताओ, मून मेल है या फीमेल है, अगर सन क्या है, सन मेल है या फीमेल है, ठीक है, आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, आगे की चीज़ों को कवर कर लेते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो दोस्तों स्ट्रेंथ, अपनी पावर और वायलेंस, हिंसा, ठीक है, इन चीज़ों को दोस्तों जो शो करता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं द सन, सन की दोस्तों एक अपनी पावर है, आप सभी को पता है उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, समर विंटर जब गर्मी पड़ती है दोस्तों सबको हिला करके रख देती है, तो उसकी वो स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आती हैं, सन मैस्कुलिन जेंडर, समर भी मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, विंटर, टाइम, डेथ, द सन शीट बीम्स ऑन रिच ऑन पुअर अलाइक, तो एग्जाम्पल भी आप सभी के सामने है। अब दोस्तों अगर बात करें फेमिनिन जेंडर के बारे में, उसका भी एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है द मून। अगर हम दोस्तों द मून की मैंने आपको पूछा था कि मेल है फीमेल है, तो आपने कमेंट कर दिया होगा। तो दोस्तों द मून जो है वो मून की अगर बात करें फीमेल है, आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा चांद छुपा बादल में, ऐसी कुछ चीज़ें लाइनें होती थी, मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों वो जो चीज़ है वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बताई गई कि चांद शर्मीला होता है। तो फेमिनिन जेंडर की दोस्तों क्या वो शाई करती हैं, शर्माती हैं। अब ब्यूटी, अगर ब्यूटी की हम बात करें तो ब्यूटी दोस्तों जो वर्ड यूज़ किया था वो गर्ल्स के लिए होता है, तो फेमिनिन जेंडर को शो करता है। तो दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए कि मून क्या है, तो मून दोस्तों क्या है, फेमिनिन जेंडर है। अर्थ क्या है, फेमिनिन जेंडर है। स्प्रिंग, नेचर, नेचर मतलब सुंदरता, ठीक है, तो वो भी दोस्तों आपकी फेमिनिन जेंडर में आती है। लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, तो दोस्तों ये जो चीज़ें पाई जाती हैं वो फेमिनिन जेंडर के अंदर पाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर हम बात करें द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो मैंने आपको बताया, चांद छुपा बादलों के पीछे
पीछे। तो चांद दोस्तों थोड़ा शर्मीला होता है, शर्मीले कौन होते हैं, फीमेल्स होती हैं, तो वो बस चीज़ें यहाँ पर आपको रिलेट करके समझाने की कोशिश की गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप कि आपको फेमिनिन और जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई कंसर्न नहीं रहा होगा, तो दोस्तों रिलेट करके आप समझ सकते हैं। आगे का आप सभी को मैं बताने वाला हूँ द नंबर नाउन। द नंबर नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। आपको दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड वर्ड के बारे में समझना होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ट्री ट्री की अगर दूसरे वर्ड के नीचे देखो ट्रीज लिखा है, बॉक्स फॉक्स मैन। अगर हम दोस्तों बॉक्स का अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो बॉक्सेस लिखा है, फॉक्स का ऑक्शन लिखा है, और मैन की अगर बात करें तो MEN, जो दोस्तों प्लूरल फॉर्म आप सभी के सामने जो है लिखी हुई है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग। तो कहने का मतलब है जो आप सभी के सामने पहला शब्द है वो आप सभी को बताया कि यहाँ सिंगल एक ही चीज़ है, लेकिन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। अगर हम दूसरे पेयर की बात करें दोस्तों, दूसरा जो जोड़ा आप सभी के सामने है वो यहाँ पर बताया कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन। तो आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं सिंगुलर प्लूरल की यहाँ पर बात की जाए तो जैसे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसको लेकर। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगल नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर। एज ए अगर हम बात का एग्जांपल आप सभी के सामने है, बॉय गर्ल काओ बर्ड ट्री बुक पेन, तो दोस्तों ये सारे के सारे आप सभी के सामने सिंगुलर है, ठीक है, आप सभी इस बात को समझ सकते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, जो ऐसा नाउन जो आप सभी को बताता है कि वो सिंगल पर्सन है और जो सिंगल चीज़ है, तो दोस्तों वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर, ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी के सामने वही ऊपर की चीज़ों को यहाँ नीचे लिख देते हैं, बॉयज गर्ल्स काउज बर्ड्स ट्रीज बुक्स पेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे ही ऐसा आप सभी के सामने लग गया तो आपको यहाँ शो हो रहा है कि यहाँ मोर देन वन है, पहले बॉय था यहाँ बॉयज़ हो गए, तो बॉयज़ यहाँ दो होंगे, एक से तो ज़्यादा ही होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें आप सभी के सामने है, दस दे आर टू नंबर इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। तो दोस्तों दो आप सभी के सामने यहाँ नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर प्लूरल आप सभी ने पढ़े होंगे, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो नंबर नाउन में दोस्तों इतना कुछ है नहीं है, बस आप सभी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको करना कुछ नहीं है, आप सभी को बस थोड़ी सी सिंगुलर प्लूरल चीज़ें पढ़ लीजिए, बस आपको पता चल जाएगा। बाकी जितने एग्जांपल मैंने लिए आप सभी के सिलेबस के हिसाब से मोर देन इनफ हैं, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में तो आना नहीं है। मैं आपको ये कराने का मेरा मोटिव आपके से जो बेस है वो क्लियर करना है, जिससे कि आगे आने वाली चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी लगें, जब हम पैसेज कराएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आर्टिकल प्रपोजिशन जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट वो सारी आपको करा दूंगा। तो थोड़े से दोस्तों नाउन के केस भी समझ लीजिए जो कि आप सभी को बताने वाला हूँ, जितना आप सभी के लिए इनफ है। तो नॉमिनेटिव केस की अगर बात करें, व्हेन अ नाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बताया गया है, जब हम नाउन को एज ए सब्जेक्ट जब यूज़ करते हैं तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो बस आपको ये समझ लो कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट को हमने जो नाउन को अगर हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है तो वो नॉमिनेटिव केस होगा, बस सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम्पल आप सभी के सामने, मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नाउन क्या है, नाउन मोहन है, मोहन को कैसे यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट है नो डाउट, अगर मोहन या सब्जेक्ट है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कभी भूलेंगे नहीं इन केस के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है तो आपको सीधा बताने जाए, नाउन और प्रोनाउन को जब हम एज ए सब्जेक्ट और वर्ब की तरह यूज़ करते हैं उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, बस आप सभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आप सभी के सामने एग्जांपल भी लिखा है, मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, तो मोहन यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट है, तो ये दोस्तों हो गया नॉमिनेटिव केस। आगे केस आ जाता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आप सभी के सामने ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात करें, किसी नाउन को जब हम दोस्तों एज ए दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आप सभी के सामने यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, डेक्स, द बुक इज इन द डेक्स। तो आप सभी के सामने मैंने हाईलाइट की हुई है चीज़ें, आप सभी यहाँ देख सकते हैं, मुझे लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है। तो डेक्स, तो दोस्तों ये आप सभी का हो गया ऑब्जेक्टिव केस, कैसे हो गया आप सभी यहाँ देख सकते हैं, व्हेन अ नाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो दोस्तों आप सभी के सामने वो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, डेस्क। तो बढ़ते हैं अपने अगले पर, अगला आ जाता है दोस्तों पजेसिव केस। पजेसिव केस की अगर बात करें, ये शब्द दोस्तों ओनरशिप और पजेशन को दर्शाते हैं।
पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम में तो पूछने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक्चुअली मैंने आपको नाउन कराया, कल को ऐसा ना रहे कि आपको नाउन करने के बाद ये चीज़ें अगर नहीं आती होंगी तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपने पूरा नाउन नहीं पढ़ा, क्योंकि कई बार कोई पूछ भी लेता है एज ए नॉलेज, तो आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो बस ये दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ करा देता हूँ, दो मिनट लगा है, इसमें कुछ है नहीं है। पजेसिव केस की अगर बात करें दोस्तों, ये चीज़ आपको बताती है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये मेरे पास एक पेन है, दिस इज राम्स पेन, ये किसका पेन है? अगर मैं क्लास में खड़े होकर आपका पेन गिरा है, मैं पूछता हूँ ये किसका पेन है, तो आगे के मुझे बताते हैं दिस इज राम्स पेन। तो दोस्तों ये ओनरशिप को शो कर रहा है कि ये राम का पेन है, ठीक है ना। तो उसको हम उस केस को हम क्या कहते हैं, पजेसिव केस। तो दोस्तों ये नाउन के तीन केस होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। एक से दो बार दोस्तों आप इनको अच्छे से समझ लेना, दोबारा से आप सभी को नाउन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो आप सभी को नाउन में पढ़ाया गया आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, कोई कंसर्न नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फर्स्ट वीडियो मैंने नाउन में कवर किया था, दूसरे में दोस्तों नाउन को पूरा फिनिश कर दिया। नाउन का अब आपका कुछ भी नहीं रह गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सिलेबस में इससे ज़्यादा तो आपके कुछ है नहीं है, ठीक है। अब हम आगे जो कवर करेंगे, या तो दोस्तों मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूंगा या प्रपोजिशन पढ़ा दूंगा, या जो मुझे बेटर लगेगा वो मैं शुरू कर लूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंग्लिश में थोड़ा पेशेंस रखना। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा इंग्लिश में, इतने अच्छे तरीके से आपको दोस्तों इंग्लिश करवाऊंगा, जिसकी कमज़ोर से कमज़ोर इंग्लिश होगी। जो कुछ एक बच्चे का मुझे, एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया, उनका कहना था कि सर मेरे ना इंग्लिश की वजह से 83 नंबर आए, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप अच्छे से इंग्लिश इस बार मेरी करोगे तो 100% 120 प्लस आपके नंबर आएंगे, और सबसे ज़्यादा नंबर आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक दिन में कुछ नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। क्योंकि हमने जब भी दोस्तों को ऊंची से ऊंची पहाड़ी चढ़नी है तो पहले स्टेप से उसको शुरुआत करनी है, और पहला स्टेप हमने नाउन के साथ शुरू कर दिया। आगे आप बढ़ते चलिए, और 100% जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे तो आप सभी को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, आप सीधे दोस्तों वहाँ पर आंसर टिक करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगली क्लासेस को दोस्तों आप कवर करें, जो भी क्लासेस आप सभी को कवर कराई जाएगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।